10 साल की उम्र थी टीके सुमैया की जब गांधी जी की हत्या हो गई। बचपन से ही सुमैया गांधी के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन वो वक्त तब आया जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। ये वो दौर था जब देश में विनोबा का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। उस समय पिताजी वगैरह खादी पहनते थे और पिताजी का जो बिजनेस था तो उसमें भी वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, कभी भी ब्लैक मार्केट वगैरह नहीं करते। प्रोविजन स्टोर था, रेशन शॉप थी, वो ब्लैक मार्केट वगैरह नहीं करते थे। तो वातावरण जो था, माहौल जो था, वो गांधीमय था। जब विनोबा जी का 1956 जब बुधान आंदोलन उनका बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और रोज़ समाचार पेपरों में आया करते थे, तभी मुझे इच्छा थी कि ये भी एक गांधी जी के फॉलोअर है और मुझे भी इस काम में लगना चाहिए। कंपनी की नौकरी छोड़ सुमैया मुंबई आने वाले लोगों की मदद में लग गए। वे 10 सालों तक गांधी को ढूंढते रहे। तभी एक फिल्म आई, गांधी। इस फिल्म ने सुमैया के इरादे को और मजबूत कर दिया। उन्हें लगा कि विचारों के प्रसार के लिए गांधी साहित्य का प्रचार जरूरी है। बस इन लोगों ने मुंबई की रिगल सिनेमा के बाहर गांधी की आत्मकथा बेचनी शुरू कर दी। सिनेमा हॉल के बाहर गांधी की किताब भी बिक सकती है, वो भी मुंबई में। आज भी मुंबई में यह गांधी बुक सेंटर कामयाबी से चल रहा है। साहित्य ही बेचते थे हम, मिलों में, कारखानों में, कहीं पब्लिक प्लेसेस में हम लोग करते थे। मगर पिक्चर आने के बाद में मुझे तुरंत हुआ कि क्यों ना गांधी जी की आत्मकथा हम पिक्चर के बाहर भेजें। लोग प्रभावित होकर जब बाहर आते हैं तो हम आत्मकथा भेजें। तो मैं और दूसरे 2-3 साथी मिलकर हम जाते थे, 5-5 रुपये की किताब थी, 2 आदमी प्ले कार्ड लेके खरीदते, गांधी की आत्मकथा 5 रुपये में गुजराती, हिंदी में, इंग्लिश में मिलती है। तो बाहर आने के बाद में हम 100-125 किताब लेके जाते थे, झोला भर के लेके जाते थे, तो उतनी बिक्री हो जाती थी। 100 छूटने के बाद में जो बाहर आते थे लोग तो सब खरीद लेते थे। फिर दूसरे 100 में जाते थे, रहा ऐसा 3 और 6 के 100 में हम जाते थे, तो लोग जाते थे तब तो नहीं खरीदे, आने के बाद में खरीदने लगे। सुमैया ने गांधी को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए प्रयोग किए। इंटरनेट का जमाना आया तो गांधी के साहित्य को वहां भी ले गए। सर्वोदय मंडल की साइट गांधी पर बेहतरीन साइट में से एक है। बताते हैं कि हर दिन 3,000 से भी ज्यादा लोग गांधी के साहित्य को पढ़ने आते हैं। इनमें बाहर के मुल्कों के पाठक बहुत हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो आज हमें बड़ी खुशी है, ऐसे हमको 8 यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आया है और उड़ीसा की एक जो कॉलेज है जिसके यहाँ 9,000 विद्यार्थी है, उन्होंने लिखा है कि आप साहित्य लेकर आइए, हम 50,000 का खरीदेंगे और स्टूडेंट खरीदेंगे, तो और अलग है। लेकिन यह न समझें कि लोगों ने गांधी को पढ़ा और कोई बदलाव आया ही नहीं। उनकी किताबें जहां तक पहुंची, पढ़ने वालों की जिंदगी बदलती रही। कई लोगों ने अपने जो हमारे जो फीडबैक फॉर्म है तो उसमें लिखकर भी दिया है कि आप हमें पहले मिलते तो जो गुनाह हमने किया है गांधी जी की किताब पढ़ने के बाद में, तो हम वो नहीं करते और आज जेल में नहीं होते। लक्ष्मण नाम है इस कैदी का। गांधीवादी लिबास में आज कैदियों को गांधी साहित्य पढ़ाता है। 18 गुनाह इसने किए थे, लेकिन जब गांधी की आत्मकथा पढ़ी सब कुछ बदल गया। कभी चाकू चलाने वाला यह शख्स अब गांधी के विचारों पर चल रहा है। वो किताब पढ़ने के बाद में उसने तय किया कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलूंगा, और गांधी ने जो कुछ किया, पिताजी को चिट्ठी लिखकर दी, तो मैं भी अभी चिट्ठी लिखकर जज साहब से गुनाह कबूल करूंगा, ऐसा उसको विश्वास बैठ गया था। और यही जीने का तरीका है तब क्या। और जब वो गुनाह कबूल करने जा रहा था तब मित्र मिले, उसने कहा कि तुम 7वीं पास हो, तुम्हारे में कोई घर बार नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुमने पैसा कहा, दूसरा कुछ जानते नहीं हो, 7वीं पास है, चाकू चलाना जानते हो, तुम्हारे माँ बाप गरीब है, गांव में रह रहे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है, तुम बाहर आके क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पिया, कहाँ रहोगे तुम। उसने कहा मरूंगा मगर ये काम नहीं करूंगा। लक्ष्मण की तरह संतोष की भी कहानी ऐसी है। गुनाहों की दुनिया में गया था, गांधी के साथ उस दुनिया से बाहर आ गया। ये गुनाह तो गुनाह होता है, उसके लिए मैं प्रायश्चित ले चुका हूँ, और अभी मैं लोगों को बता सकता हूँ कि नहीं भाई ये गलत है।
कोई भी चीज़ किसी के भी को हानि पहुंचाना ये जाने अनजाने में हुए गलत है। दरअसल हम सब गांधी से भागते हैं, सामना नहीं करते, वरना गांधी की अहिंसा पर चलने के लिए समंदर पार करने की कोई शर्त नहीं है। बस आप इस भीड़ में शामिल उस आखिरी आदमी की तलाश कर लीजिए, उसके दुख दर्द में शामिल हो जाइए, आपको गांधी मिल जाएंगे। अगर गांधी की तलाश नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। We'll be right back.